तो हेलो डिज़ाइनर्स कैसे हो आप लोग आज के इस वीडियो में हम एक्शन की मदद से ब्लैंकेट बनाना सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और थोड़ी लंबी भी हो सकती है तो आपको अगर पूरा नॉलेज चाहिए तो पूरी वीडियो देखना आप ठीक है अगर आधा अधूरा चाहिए तो आधा अधूरा ले देख के आप छोड़ सकते हो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे ब्लैंकेट देख रहे हो ये मैंने पूरा एक्शन की मदद से बनाया हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पे इसके नंबर्स भी आ चुके हैं नंबर मैंने जानबूझ के ऐसे वर्टिकल में डाले हैं ताकि मतलब डिज़ाइन में ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और नंबर कटे नहीं है ना जैसे कि नंबर अगर मैं इधर डाल देता तो कभी कभी क्या होता है कि प्रिंट होने के टाइम पे कपड़े के ऊपर यहाँ से नंबर कट जाते हैं तो इसलिए मैंने इस तरह से नंबर डाले हैं और ये सारी चीज़ें मैंने दो एक्शंस की मदद से की है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैंकेट नाम की जो एक्शन मैंने बना के रखी है यहाँ पे उसके अंदर दो एक्शंस है एक ये ब्लैंकेट नाम से है और ब्लैंकेट प्रोसेस टू ठीक है इन दोनों एक्शन्स की मदद से मैंने पूरा ब्लैंकेट बनाया हुआ है बहुत ही सिंपल और ईजी वे है मैं आपको अभी, अभी सारी एक्शंस दोबारा बना के दिखाऊँगा आपको और अगर आपको नहीं बनानी आती है तो आप ये सेम एक्शन डाउनलोड कर सकते हो 249 में खाली मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है ठीक है तो मैं अभी क्या करता हूँ फिलहाल के लिए इस एक्शन को मैं सेव करके डिलीट कर दूंगा ताकि मैं आपको दोबारा से पूरे एक्शन बना के दिखा सकूँ तो मैं इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ मेरा ठीक है ये मैंने सेव कर दिया और अभी मैं इस एक्शन को डिलीट करने वाला हूँ क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको दोबारा से बताऊँगा तो इन जो ब्लैंकेट बना के हमने यहाँ पर रेडी है उसको भी बंद कर देते हैं हम दोबारा से पूरा ब्लैंकेट बना के देखेंगे तो यहाँ पर जो फाइल्स है उनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ हम दोबारा से कॉपी करेंगे और दोबारा से मैं आपको सारी चीज़ें बना के दिखाऊँगा प्रैक्टिकली और बहुत ही इजी है आप समझ जाओगे तुरंत तो मैं यहाँ से अभी ओल्ड बैकअप में से कुछ फाइल्स उठा लेता हूँ जो जिनका रिजोल्यूशन भी मतलब कुछ भी उल्टा सीधा रहेगा तो भी एक सेम रिजोल्यूशन में वो कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है तो ये शर्टिंग नाम का जो फोल्डर है इसमें से मैं कुछ फ़ाइल्स उठा लेता हूँ जो लेयर्स वाली भी होगी ठीक है तो इस बार हम क्या करते पीछे से ले लेते हैं तो मैंने पहले शुरुआत से ली थी ठीक है तो बहुत सारी फाइलें सेम सेम है कोई दिक्कत नहीं हमको खाली प्रैक्टिकल करके देखना है ठीक है तो मैं यहाँ से आ, कम से कम पाँच मीटर का हम लोग ब्लैंकेट बनाएंगे और पंद्रह बाय पंद्रह इंच की एक फाइल की साइज़ होगी उसके अंदर ठीक है तो वो हिसाब से हमारी लगभग है ना तेरह फाइल बैठेगी हम एक बार करके देखते हैं कैलकुलेशंस हमको कितनी फ़ाइल लगेगी तो ठीक है ताकि आपको पूरी तरह से सारी चीज़ें समझ में आ सकें तो हमको पंद्रह बाय पंद्रह इंच का अगर एक ब्लॉक बनाना है ठीक है ये हो गया पंद्रह बाय पंद्रह इंच का ब्लॉक और इनको हमको सेट करना है मान लो पाँच मीटर के अंदर तो मैं इसको डिफाइन पैटर्न कर देता हूँ और इसको मैं करूंगा पाँच मीटर ठीक है पाँच सौ सेंटीमीटर मैंने कर दिया मतलब पाँच मीटर हो गया फिर यहाँ पे करेंगे हम फोर्टी फाइव इंचज ओके तो इस तरह से पूरा मतलब पाँच मीटर का हमारे पास एक ब्लैंकेट बन जाएगा हमारे इस तरह से हम एक्चुअली ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पाँच मीटर में आ, डालने के लिए हमारे पास डिज़ाइन कितने होनी चाहिए है ना पाँच मीटर का ब्लैंकेट बनाने के लिए कितनी डिज़ाइन हमको लगेगी तो मैंने फिल कर दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन है ना तेरह यहाँ पे ऊपर है और तेरह के तीन हमारे रो बन रहे हैं यहाँ पे तो ये होती है थर्टी नाइन ठीक है तो थर्टी नाइन डिज़ाइन हमको लगेगी तो इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया है तो हमारा क्या है पाँच मीटर के अंदर इजीली थर्टी नाइन डिज़ाइन्स का ब्लैंकेट बन जाएगा अभी हम इसको बंद कर देते हैं हम जाएंगे हमारे फोल्डर में जहाँ से हमको डिज़ाइंस कॉपी करनी है तो मैं ओल्ड बैकअप में या फिर यहाँ से ले लेता हूँ ठीक है ये तो खाली है ओल्ड बैकअप में हम जाएंगे और यहाँ से मैं काम करता हूँ ऑल ओवर में से ले लेता हूँ ठीक है यहाँ से हमको इजी पड़ेगा तो यहाँ से मैं कोई भी पंद्रह फाइल्स ले थर्टी नाइन फाइल्स ले, ले लेता हूँ तो ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ये यह हो गई कितनी फोर्टी नाइन हो गई है ये हो गई थर्टी थ्री और ये हो गई 38 और ये हो गई 39 ओके तो ये 39 फाइल्स हमने यहाँ सेलेक्ट कर ली है अब हम क्या करेंगे इनको करेंगे कॉपी ठीक है ये ऊपर वाली फाइल हम छोड़ देते क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फ़ाइल्स हैं तो इनको हम छोड़ देते फिलहाल हम यहाँ से ले लेंगे छोटी छोटी फाइल्स ही लेंगे ठीक है क्योंकि हम हमारा ब्लॉक छोटा बन रहा है ना तो हम ऊपर वाली फ़ाइलों को स्किप कर देते हैं क्योंकि वो लार्ज साइज़ में है हम यहाँ से ले, ले लेते हैं देख लेते कितनी हो गई है सिक्सटी फाइव ये हो गई सेवेंटीन ये हो गई थर्टी सेवन थर्टी एट और थर्टी नाइन इन फाइल्स को मैंने कॉपी कर लिया है अभी डेस्कटॉप पे जाऊंगा मैं यहाँ पे मैंने जो ब्लैंकेट नाम का फोल्डर बना के रखा है उसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया ठीक है सारी फाइल्स इधर आने लगी है अभी इसमें हो सकता है कोई फाइल का रिजोल्यूशन कम हो ज्यादा हो लेकिन हम इस तरह से एक्शन बनाएंगे कि सारा सारे डिजाइन है से ना सेम रिजोल्यूशन में ब्लैंकेट में कन्वर्ट हो जाए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है अगर रिजोल्यूशन अलग अलग रहेगा तो प्रिंट साइज़ में बहुत डिफरेंस आ जाएगा और आपका ब्लैंकेट काम का नहीं रहेगा ठीक है।, है आपके ब्लैंकेट की फिर वाट लग जाएगी तो अभी हम क्या करते हैं ये जो फाइल है सबसे पहले एक सिंगल फाइल हम ओपन करेंगे ओके तो ओपन कर लेते इसको ये सिंगल फाइल मैंने ओपन कर ली आप देख सकते हो यहाँ पे लेयर्स है इसमें तीन लेयर्स है इसकी साइज़ देख लेते कितनी है पंद्रह बाय पंद्रह इंच और वन फिफ्टी रिजोल्यूशन ठीक है सेम ही है बट अभी हमको क्या है ना इसको कन्वर्ट करना है ठीक है हमको हमारे ब्लैंकेट का जो रिजोल्यूशन है 150 ही रखना है बट हमको एक्शन में इस तरह से रिकॉर्ड करना है कि, कि किसी भी दूसरे रिजोल्यूशन की फ़ाइल हो तो भी वो वन में कन्वर्ट हो जाए तो मैं सिंपली इसको वन या दो कुछ भी आप कर सकते हो है ना टू में कर देता हूँ ताकि मैं इसको रिकॉर्ड कर सकूँ 150 में ओके आ, आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी अभी हम क्या करेंगे एक नया सेट ले लेंगे जिसका हम नाम दे देंगे ब्लैंकेट, ओके ये मैंने ब्लैंकेट नाम दे दिया उसके अंदर हम एक न्यू एक्शन ले लेंगे इसका नाम दे, दे देंगे ब्लैंकेट। ये वन टाइम प्रोसेस है आपको एक ही बार करनी है ठीक है प्रोसेस वन ठीक है ब्लैंकेट प्रोसेस वन नाम से हमने एक दूसरा एक एक्शन एक बना दी इसको हम रिकॉर्ड शुरू कर देते अभी ठीक है रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है तो अभी हमको क्या क्या रिकॉर्ड करना है सबसे पहले हमको इसमें इसमें रिकॉर्ड करना है अल्टर एल एफ मैं करूँगा ठीक है लेयर में जाके इसको फ्लैटन कर दूँगा सारे लेयर्स को इमेज मर्ज हो गई अभी कोई लेयर लेयर नहीं है अंदर दूसरी चीज़ हमको क्या करनी है इसकी इमेज साइज हमको करनी है रिजोल्यूशन करना है वन फिफ्टी ओके और ये मैंने कर दी यहाँ पर हम नियरेस्ट नेबर रखते हैं फिलहाल ठीक है कोई मतलब पिक्सल पिक्सलेट नहीं होगी तो ये मैंने कर दिया हमने इस को फ्लैटन कर दिया इमेज साइज हमने 150 कर दी रिजोल्यूशन इसका इसके बाद हमको क्या करना है फाइल में जाना है और कॉन्टैक्ट शीट में जाना है ठीक है सॉरी uh, फाइल में नहीं जाना कॉन्टैक्ट शीट में नहीं जाना अभी हमको इसका डिफाइन पैटर्न करना है और डिफाइन पैटर्न करने के बाद में इसको हमको 15 बाय पंद्रह इंच की साइज में फिल करना है ठीक है बट अभी आप कहोगे कि ये तो ऑलरेडी 15 बाय पंद्रह इंच ही है इसके अंदर फिल क्यों करना है हमको और मतलब क्या जरूरत है अभी आप समझ लीजिए कि ये डिज़ाइन पंद्रह बाय पंद्रह में है लेकिन कोई डिज़ाइन आपकी टेन बाय टेन में रह सकती है एट बाई एट में रह सकती है या फिर ट्वेंटी बाई ट्वेंटी में भी रह सकती है ठीक है साइज़ आपकी ऑल ओवर की बहुत अलग अलग हो सकती है जिनका आपको ब्लैंकेट बनाना है तो हमको क्या करना है कि एक ब्लॉक पर्टिकुलर साइज का चाहिए तो उसके लिए हमको उसकी साइजिंग पहले से यहाँ पर रिकॉर्ड uh, करनी पड़ेगी तभी मतलब वो सेम साइज़ में ब्लैंकेट इसका बनेगा ठीक है अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी मैं सारी चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ आप सिर्फ फॉलो uh, कर uh, कीजिए वीडियो को या फिर कुछ भी मतलब आप ट्राई करके खुद भी देख सकते हो तो आपको नई नई चीज़ें पता चलेगी तो मैं अभी क्या करता हूँ इसको कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल हम यहाँ से अभी एक्शन स्टॉप कर देंगे इसकी साइज़ में अभी बीस बाय बीस कर देता हूँ ठीक है ताकि मैं इसको पंद्रह बाय पंद्रह इंच करके रिकॉर्ड कर सकूँ ओके तो ये मैंने यहाँ पे मेक पैटर्न किया था फिर इसको हम करते हैं <coughs> सॉरी इसको हम प्ले करते हैं ठीक है प्ले करने के बाद में हम इसको क्या साइज़ करेंगे पंद्रह बाय पंद्रह ठीक है हमने इसका पैटर्न बनाया और इसको फील हम करेंगे अभी यहाँ पे, यह हमने कर दिया फील ठीक है तो ये फील हो गया पंद्रह बाय पंद्रह में आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा क्या हो रहा है लेकिन वो हो गया ठीक है तो इतना प्रोसेस हो गया अभी हम क्या करेंगे इसको आ, यहाँ पे जाएंगे हम फाइल के अंदर फाइल के अंदर जाने के बाद ऑटोमेट में जाएंगे हम कॉन्टैक्ट शीट पे क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट शीट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो सेटिंग है आपको सेम रखनी है ठीक है आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या सेटिंग है यहाँ पे ओपन डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है मैंने टेन बाय टेन इंच का ब्लॉक यहाँ पर सिलेक्ट किया है मैंने और रिजोल्यूशन वन रखा है सारी चीज़ें आप जैसी ब्लॉक में दिखती है वैसे आपको करनी है यहाँ पे फॉन्ट एरियल सिलेक्ट किया है आप कोई और फॉन्ट चाहिए तो वो सिलेक्ट कर सकते हो साइज़ जो है इसकी मैंने ट्वेंटी ये सिलेक्ट किया है ट्वेंटी पॉइंट ये आप चाहो तो थोड़ी बड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हो आपके हिसाब से तो इस तरह से हमको सेटिंग रखनी है फिर हमको कर देना है ओके ओके हम जैसे ही करेंगे तो इसकी एक कॉन्टेक्ट शीट बन जाएगी सिंगल फाइल की कॉन्टैक्ट शीट हमको क्यों बनानी है क्योंकि हमको यहाँ से इसका नंबर कॉपी करना है ठीक है नंबर हमारी फ़ाइल में हमको मैन्युअली नहीं डालने सारी चीज़ें हमको एक्शन की मदद से करनी है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ इस तरह से इतना लंबा पार्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ठीक है आ, थोड़ा ज़्यादा इसलिए रख कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ आगे पीछे कुछ लिखा हुआ रहता है डिज़ाइन नंबर के तो सारी चीज़ें कहीं कटे नहीं ठीक है तो इसके लिए मैं इसको एक बड़ा सा लंबा सा ऐसा पार्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ नाम का इसको हम कॉपी करेंगे और इस फाइल को करेंगे बंद इसकी ज़रूरत ख़त्म फिर हमको क्या करना है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है पेस्ट करने के बाद में इसको हमको करना है नाइन्टी डिग्री ओके फिर हम इसको वापस सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट ऑल कॉपी करेंगे और वापस डिलीट कर देंगे हम डिलीट करने के बाद में अब हमको क्या करना है अब हमको इसकी कैनो से छोटी करनी है थोड़ी क्योंकि हमारा जो ब्लैंकेट बनेगा तो आजू बाजू थोड़ा वाइटनेस भी तो आना चाहिए ब्लैंकेट के अंदर ठीक है सारे डिज़ाइन एक दूसरे को चिपकी हुई लगेगी तो बहुत गंदा दिखेगा इसलिए हमको अभी क्या करना है मैं थोड़ा वाइटनेस छोड़ना चाहता हूँ तो मैं इसको करूँगा फोरटीन पॉइंट सेवेंटी फ़ाइव फोरटीन पॉइंट सेवेंटी फाइव ओके okay, मैंने कर दिया उसके बाद में मैं यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन लूँगा और यहाँ पे करूँगा पेस्ट ठीक है ये आ गया हमारा डिज़ाइन का नंबर डिज़ाइन का नंबर आ गया उसके बाद में हमको इसको कर देना है मर्ज ओके ये मैंने मर्ज कर दिया फिर हमको करना है इसको पंद्रह इंच पंद्रह इंच ओके तो ये हमारा एक ब्लॉक बन के रेडी है और यहाँ पे हमारा पहला एक्शन का, का काम ख़त्म हो चुका है इस फाइल को हम कंट्रोल डब्ल्यू और यस कर देंगे तो ये फ़ाइल उधर सेव हो जाएगी और इधर हमको एक्शन को स्टॉप कर देना है तो ये हमारा पहला काम पूरा हो गया ओके तो अभी हम क्या करते हैं कि पहला जो काम हमारा पूरा हो गया है तो हम इसको एक बार आ, प्ले करेंगे सारी फाइल्स के ऊपर नंबर आते हैं कि नहीं वो हम देख लेते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पे अठारह नंबर की जो फाइल है उसको जैसे का वैसा रहने देता हूँ या फिर एक काम कर देता हूँ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और एक दूसरी अठारह नंबर की फाइल मतलब हम वापस से वहीं से एक बार कॉपी करके डाल देंगे ठीक है तो यहाँ पर जाते हैं आप चाहो तो मतलब अलग से मतलब रख सकते हो साइड में रखनी पड़ेगी हमको ओरिजिनल फाइल सारी तो हम जाएंगे यहाँ पे ऑल ओवर में यहाँ पे 18 नंबर की फाइल को कॉपी करेंगे हम डेस्कटॉप पे आएंगे ब्लैंकेट में आएंगे और यहाँ पे हम वापस से उसको उस फाइल को पेस्ट कर देंगे ठीक है अभी आपको क्या है ना एक्शन एक बार बन चुके हमारी अभी आपको सीधी यहाँ पर खाली फाइल रिप्लेस करनी रहेगी इन फाइल्स को डिलीट करना है आपको दूसरी फाइल डाल देनी है तो उनका भी ब्लैंकेट बन जाएगा ठीक है और पाँच पाँच मीटर का ब्लैंकेट हमको बनाना है तो आपको हर बार थर्टी नाइन फाइल्स ही डालनी है अब ज़्यादा फाइल डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ठीक है थर्टी नाइन फाइल्स का ही हम लोग ब्लैंकेट बना रहे हैं अभी और आई थिंक इनफ है तो हमारा काम उसमें निकल जाता है तो अभी हम क्या करेंगे ये सारी फाइल जो है इनको हम प्रोसेस रन करेंगे अभी पहले एक्शन की उसके बाद हम दूसरे एक्शन स्टार्ट करेंगे ओके तो अभी हम क्या करते हैं फाइल में जाएंगे स्क्रिप्ट में जाएंगे इमेज प्रोसेसर में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जो मैंने ब्लैंकेट नाम का जो रखा हुआ है ठीक है एक्शन वो हमको करना है और उसके बाद में हम ब्लैंकेट प्रोसेस वन जो है वो हम प्ले करेंगे ओके तो मैं इसको कर देता हूँ रन ये मैंने इसको रन कर दिया अभी देख लेते आ, एक सेकेंड एक गलती हो रही है हमारे से आपसे भी हो हो सकती है वो आपको सुधारनी है मतलब आपको वो गलती नहीं करनी है तो मैं क्या करता हूँ इसको एक बार नो कर देता हूँ सारी फाइल्स को जो फाइल हमारे पास ओपन है ना हम एक बार इसको कर, फिल करेंगे ठीक है कर, शिफ्ट और बैक स्पेस करेंगे ये आपको ध्यान से करना है नहीं तो क्या होगा ना ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी हर बार वो सेम पैटर्न ही फिल करेगा ठीक है तो हमको क्या है ना ये यहाँ का जो पैटर्न बना हुआ है हमारे डिज़ाइन का उसको हमको कट कर देना है अल्टर दबा के मैंने यहाँ से ये पैटर्न कट कर दिया आप चाहो तो सारे के सारे पैटर्न भी कट कर सकते हो लेकिन मैंने वो उतना एक पैटर्न खाली कट कर दिया और दूसरा एक सिलेक्ट करके उसको मैंने फ़िल कर दिया ठीक है एक चीज़ करनी है आपको रन करने से पहले बस अभी हमको कुछ नहीं करना है अभी हम एक बार रन कर देते हैं हमारी एक्शन इमेज प्रोसेसर में गए हम और इसको रन कर दिया बस अभी हाँ हम, हमको कुछ नहीं करना है हमको रिलैक्स बैठे रहना है और ये अपना काम करते रहेगा अभी ठीक है सारे डिज़ाइनों के ऊपर 15 बाय 15 इंच के ब्लॉक बना देगा और उसके ऊपर नंबरिंग भी कर देगा उसके बाद हम जो सेकंड एक्शन बनाएंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे ये सारे ब्लॉक्स को एक ब्लैंकेट में सेट करेंगे ठीक है तो ये प्रोसेस होती है तब तक के लिए मैं ज़रा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और फिर हम नेक्स्ट जो ब्लैंकेट की जो सेकंड प्रोसेस है उसको तुरंत कंप्लीट कर देंगे ओके तो यहाँ पे हमारी ये प्रोसेस पूरी हो चुकी है और आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है अब हम चेक करते हैं एक बार कि हमारी फ़ाइल्स में नंबर्स वगैरह बराबर आए कि नहीं तो मैं कोई भी रैंडम दो तीन फाइल्स ओपन करके देखूंगा और चेक करूंगा कि यहाँ पे नंबरिंग बराबर हुई है कि नहीं तो आप देख सकते हो यहाँ परफेक्टली नंबर आ चुका है हमारी फाइल में इसको मैं बंद कर देता हूँ इसके ऊपर भी नंबर आ चुका है और इसके ऊपर भी नंबर आ चुका है ठीक है तो और यहाँ पे मेरे से गलती से कॉपी निकल चुकी है तो मैं कॉपी डिलीट कर देता हूँ ये रही कॉपी और ये रही कॉपी ठीक है तो अभी सारी फाइल्स हमारे नंबर्स के साथ रेडी है अभी हमको नेक्स्ट जो ब्लैंकेट प्रोसेस करनी है उसके अंदर हमको इसको ब्लैंकेट में सेट करना है खाली बहुत ही ईजी प्रोसेस है प्रोसेस स्टार्ट होने आ, वो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ अगर आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग को डीपली सीखना चाहते हो तो मेरे लाइव वीडियो के क्लासेस मैंने यहाँ पे रखे हुए मेरी वेबसाइट पे 249 में आप जो चाहिए वो वीडियो डाउनलोड कर सकते हो और उसको शांति से आराम से देख के आप इजीली टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग अच्छे से सीख सकते हो साड़ी क्रिएशन कंप्लीट ट्यूटोरियल है इस तरह का कोई वर्क आता है आपके पास जिसमें सीमलेस उसको कैसे कन्वर्ट करना है और उससे साड़ी डिज़ाइन कैसे बनानी है वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैंने बताई हुई है तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ और भी है मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा यहाँ पर मैंने स्क्रीन भी देख के रखे हुए हैं कि इस इमेज को मैंने इस तरह से पूरी साड़ी में कैसे कन्वर्ट किया है और पूरा एक घंटे का के आसपास वीडियो है और आपको पूरा नॉलेज मिलेगा ठीक है तो आपको अगर सीखना है तो यहाँ से कर सकते हो और एक्शंस भी अगर आपको डाउनलोड करनी है तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी ठीक है तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे अब हम नेक्स्ट जो प्रोसेस चालू करने वाले हैं उसके लिए हम क्या करेंगे वापस एक न्यू एक्शन ले लेंगे यहाँ पर जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में देखा था हमको दो एक्शन में काम करना है यहाँ पे मैं इस एक्शन को नाम देता हूँ ब्लैंकेट प्रोसेस टू ओके इसको मैंने ऐसे नाम दे दिया है और इसको मैं कर देता हूँ ये एक्शन सेट वन में आ रही है ठीक है तो यहाँ पे नहीं हमको लेनी है हमको यहाँ पे क्लिक करना है फिर हम यहाँ से एक्शन ले लेंगे ठीक है तो बी एल ए एन सी के ई टी ब्लैंकेट प्रोसेस no, टू ये नाम से हम एक्शन ले लेंगे अब ये ब्लैंकेट सेट के अंदर आ रही है और इसको हम रिकॉर्ड कर देते ठीक है प्रोसेस शुरू हो गई है तो अभी हमको एक सिंपल सा काम क्या करना है कि हमको लेना है एक फाइल ठीक है तो एक्शन में भी स्टॉप कर देता हूँ ये चीज़ आपको रिकॉर्ड नहीं करनी है ठीक है ये चीज़ आपको मैन्युअली करनी है इतना ही खाली काम आपको मैन्युअली करना है क्या काम करना है आपको आपको है, आ, लेना है एक ब्लैंक पेज ठीक है कितनी साइज़ का होना चाहिए वो होना चाहिए पंद्रह इंच बाय फोर्टी फाइव इंच इतना मैंने ले लिया फिर इसको मैंने कर दिया तेरह सौ परसेंट ठीक है तेरह सौ परसेंट क्यों किया क्योंकि तेरह फाइल्स हमारे आने वाली है आ, एक रो में <coughs> सॉरी तो तेरह फाइल्स हमारे आने वाली है, और ऐसे तीन कॉलम्स तेरह कॉलम्स बनेंगे और तीन रो बनेगी ठीक है तो इसके लिए हमको तेरह सौ परसेंट इसकी कैनो साइज कर देनी है और ओके कर देना है ठीक है तो कितनी साइज़ हो गई इसकी अप्रॉक्स आ, देख लेते हैं हम है ना फोर नाइन्टी फाइव पॉइंट थ्री हो गई है तो लगभग पाँच मीटर के आसपास हमारा ब्लैंकेट बन जाएगा ओके तो ये मैंने यहाँ पे ब्लैंक फाइल ले ली अभी हमको रिकॉर्डिंग शुरू करनी है ठीक है रिकॉर्डिंग में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले हम फाइल ओपन करेंगे एक ठीक है ये मैंने फाइल ओपन कर ली इसको मैंने कॉपी किया और कंट्रोल डब्ल्यू मतलब बंद कर दिया उस फाइल को और इस कोने में सिलेक्शन लेके मैंने पेस्ट कर दिया ठीक है पेस्ट करने के बाद में मैंने इसको लेयर मर्ज कर दिया फिर मैं फिल्टर में गया अदर में गया ऑपसेट में ठीक है ऑपसेट में जाएंगे हम यहाँ पे हमको क्या लिखना है यहाँ पे हमको ये लिखना है जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है है ना प्लस 2250 और माइनस 2250 ये हमने यहाँ पे क्यों लिखा क्योंकि हमारी फाइल की जो साइज़ है पिक्सल में वो उतनी ही है ठीक है तो मैं अभी फाइल ओपन करूँगा तो वापस इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा मैं स्टॉप करके आपको एक बार दिखा देता हूँ जो फाइल हम लेने वाले जो जो मतलब सारी फाइल्स की हमारी साइज़ है वो पिक्सल में डबल टू फाइव ज़ीरो है ना बाईस सौ पचास है इसलिए हमने बाईस सौ पचास यहाँ पर ऑपसेट में लिया है तो वापस से हम एक्शन शुरू कर देते हैं फिल्टर में जाएंगे हम अदर में ऑफसेट में बाईस सौ पचास बाईस सौ पचास हमने लिख दिया है ओके हमको कर देना है और फिर हमको कर देना है यहाँ पर स्टॉप बस यहाँ पर आपके एक्शन दोनों रेडी है ओके पहले एक्शन तो हमने प्ले करके देख ली थी अभी दूसरे एक्शन हम प्ले करके देखेंगे क्या होता है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फाइल को और अब ये जो ओपन है ये हमको यहाँ से डिलीट करना है ठीक है तो ये ओपन जो मेरे से यहाँ पे रह गया है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिर हम एक्शन रन करके देखते हैं ओके तो फिर से इसको डिलीट कर देंगे फिल्टर फाइल अदर अदर नहीं सॉरी फाइल में जाएंगे हम फाइल में जाने के बाद में स्क्रिप्ट में जाएंगे इमेज प्रोसेसर में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको रन कर देंगे बाकी सब बराबर ही है इसको रन करके कर देखते हैं तो यहाँ पर प्रोसेस पूरी हो चुकी है अभी मैं नहीं जानता किस तरह से ब्लैंकेट बना है मैं इसको ओके कर देता हूँ देख लेते क्या हुआ है ठीक है तो ये परफेक्टली बन चुका है ठीक है हमारी जो एक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है और हमने एक परफेक्टली ब्लैंकेट बना के रेडी कर दिया है एक्शंस की मदद से यहाँ पे मैंने मैन्युअली कुछ भी नहीं किया आपने देखा है पूरा वीडियो और सारी चीज़ें हमने एक्शन की मदद से की है इस फाइल को हमको सेव कर देना है ठीक है तो ये और सेव करने के बाद में इसको हम प्रिंट कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आपको जो करना है आप कर सकते हो और बस आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय